नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विनोद रैना है। मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट हूं। मैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, सेक्सुअल डिस्फंक्शन और मेल इनफर्टिलिटी ठीक करता हूं। आज हम यहां पर आपके साथ लोकमत न्यूज़ के चैनल के माध्यम से मिल रहे हैं। इनका आजकल एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है आपकी सेहत आपके हाथ। आजकल जो हमारा रहन सहन है वो बहुत ही खराब हो चुका है, क्योंकि मान के चलिए कि अगर एक लड़का कहीं पे काम करता है सवेरे 9 बजे से लेकर शाम के 6 या 7 बजे तक, तो सवेरे उसको 6:30 या 7 बजे घर से निकलना पड़ता है, क्योंकि 1 से 1.5 से 2 घंटा उसको ट्रांसपोर्टेशन में लगता है। अगर मान के चले एक लड़का जो नॉर्थ दिल्ली में रहता है और वो गुड़गांव में या नोएडा में काम करता है, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि सड़कों में जाम है, सड़कें खाली नहीं है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। सवेरे वो 5:30, 6:30 बजे उठता है और कपड़े पहनते ही वो ऑफिस की तरफ भागता है। 6:30-7 बजे जब उसकी छुट्टी होती है, फिर वो 2 घंटे वापस आता है, तो जब वो वापस आता है बहुत थका हुआ होता है। उसके बाद वो बहुत सारा खाना खाता है और एकदम से सो जाता है, तो इस दौरान कोई भी एक्टिविटी वो कर नहीं पाता है, ना वो एक्सरसाइज करता है, ना वो अपने ऊपर ध्यान देता है, और जब आगे जाके वो चलता है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, और उन प्रॉब्लम्स में एक प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ऐसी बीमारी है जहां पर एक पेशेंट इरेक्शन मेंटेन नहीं कर पाता है, सेक्सुअल रिलेशन प्रॉपर नहीं कर सकता है, या प्रीमेच्योर इजेकुलेशन हो जाता है कि सेक्स करते करते उसका जो टाइम है सेक्सुअल टाइम कम हो जाता है। दोस्तों, ये आजकल बहुत बड़ा एक इशू बन चुका है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, क्योंकि ये सारी डिजीज जो है लाइफस्टाइल के साथ रिलेटेड है। दोस्तों, अगर आपको फिट रहना है और अगर आपको अपने आप को बिल्कुल सही रखना है, तो आपको 3-4 चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। एक तो सवेरे आपको 1 घंटे की वॉक करनी है, 40 से 50 मिनट आपको वॉक करना पड़ेगा। आपको ब्रेकफास्ट हैवी करना पड़ेगा, आपको लंच नॉर्मल करना पड़ेगा, और आपको डिनर बिल्कुल लाइट करना पड़ेगा। हैवी ब्रेकफास्ट का मतलब है कि आपको 1 गिलास दूध लेना है, 2 अंडे अगर आप नॉन वेजिटेरियन है 2 अंडे खाने, 1 कटोरी दही होनी चाहिए, 1 पूरी प्लेट भर के सलाद होनी चाहिए। इसको हम कहते बढ़िया ब्रेकफास्ट। उसके बाद लंच में 2 सब्जियां मिनिमम और 3 से 4 रोटियां। फिर 3-4 बजे आपको फ्रूट लेना चाहिए। फ्रूट्स में 200 ग्राम या 300 ग्राम फ्रूट आप डेली खा सकते हैं, लेकिन फ्रूट्स को चेंज करना पड़ेगा। अगर आज आपने सेब खाया तो कल आप कोई दूसरा सेब फ्रूट खाओगे, जैसे आपने संतरा खाया, कभी आपने एप्रिकॉट खाया, कभी आपने अनानास खाया, कभी आपने पमग्रेनेट खा लिया, अनार खा लिया, तो ऐसे फ्रूट्स को चेंज करना पड़ेगा। और साथ में जब आप शाम को खाना खाते हैं वो लाइट होना चाहिए, वो ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। और साथ में ये प्रॉब्लम्स इसलिए बढ़ती हैं कि अगर एक पेशेंट स्मोकिंग करता है, बहुत सारे हमारे नौजवान आजकल चेन स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सिगरेट्स पीते हैं, 10 से 20 से 30 सिगरेट्स पर डे पीते हैं। दोस्तों, ये आपको ब्लॉकेज करेगा, ये आपको प्रॉब्लम करेगा, ये आपके माइक्रोवेसल्स को ब्लॉक कर देगा। स्मोकिंग बहुत ही खतरनाक है, हानिकारक है बॉडी के लिए। आप ऑलरेडी स्मोकिंग करते हो, आप दिल्ली जैसे शहर में दिन में 1 से 2 पैकेट ऐसे सिगरेट पीते हो, क्योंकि आप ये देख लीजिए इतना पोल्यूशन है यहां पर। साथ में जब आप ऊपर से और स्मोकिंग करते हो तो उससे आपका लोड बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अगर आप हैवी स्मोकिंग करते हो तो उसको कम करो या बंद करो। साथ में बहुत सारे पेशेंट्स ड्रिंकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। अगर आपको ड्रिंक करना है, ड्रिंक करना बिल्कुल गलत नहीं है, अगर आप ड्रिंक लिमिट में करते हैं तो वो आपको दवाई की तरह काम करेगा, वो आपके इम्यून सिस्टम को ठीक रखेगा, शुगर लेवल्स को ठीक रखेगा, लेकिन उसमें खाली आपको 60 मिलीग्राम से लेकर 80 मिलीग्राम तक पर डे अल्कोहल कंजम्पशन होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन दोस्तों, हमारे जो नौजवान है वो क्या करते हैं, वो थके हुए होते हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, उसको डिस्ट्रेस करने के लिए वो क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा ड्रिंक्स करते हैं।
तो उसकी वजह से भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, लीवर खराब हो जाता है, किडनीज में प्रॉब्लम आती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। ये चीजें बंद कर दीजिए और आपको अपने आप को फिट रखने के लिए वेट को मैनेज करना, वेट मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको BMI को बिल्कुल नीचे रखना पड़ेगा, BMI मींस बॉडी मास इंडेक्स, आपको मोटापे को बढ़ाना नहीं है। और साथ में अगर आप कुछ टेस्ट करोगे तो उससे आपको पता चल सकता कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बायोकेमिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स को थायराइड होता है, जिसमें T3 T4 TSH एक सिंपल सा टेस्ट हम करते हैं, पता चल जाता है कि थायराइड तो नहीं है। या अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है, उनको भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। आप प्रॉपर खाना खाइए, 10 से 15 बादाम रात को भिगोइए, पानी में डालिए, उनको सवेरे खाइए, फिर उसके बाद 1 घंटे की वॉक करिए। दोस्तों आप देख लीजिए, आपको कोई बीमारी नहीं रहेगी, आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, आपका शुगर लेवल्स नॉर्मल रहेंगे, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी नॉर्मल रहेगी, आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन खत्म हो जाएगा।